गुड मॉर्निंग गाइज, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे गाइज। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो सुबह की शुरुआत जैसे कि हो जाती है हमारी डेली की तरह, तो अभी मैं उठी हूँ जस्ट। रौनक अभी सो रहा है और अभी बज रहे हैं 6:30। मैं जस्ट अभी अभी उठी हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि आज उठते ही गुड मॉर्निंग कर लूँ, क्योंकि बाद में फिर काम स्टार्ट होता है, फिर जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। तो बस अभी उठी हूँ, अभी अपना नहाएंगे, अपना खाना वाना तैयार करेंगे, और उसके बाद और ये चीकी बिकी भी मेरे साथ ही जाग जाते हैं गाइस, क्योंकि जैसे मैं उठती हूँ ना, इनका ऊपर से मैं कपड़ा हटा देती हूँ और ये इनको लगता है सुबह तो हो गई है, अब तो अपना बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस अभी अपना काम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे ऑफिस। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अभी ऑफिस, और आप अब देखोगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने ये हुडी वाला पहन लिया जैकेट, मुझे लग रही है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड, मुझे लग रहा है कि जम जाएगी मेरी कुल्फी। तो आज मैंने ये कोट पहना है, साथ में जीन्स पहनी है। तो ये वैसे नाम मात्र ही होता है, ये स्कूटी पे बैठो ना पीछे कोई गिर जाता है, और अगर हम दूसरे वाली कैप पहनते हैं और वो दूसरे वाली टोपी पहनते हैं उस पर तो बिल्कुल ऐसे दब जाता है मेरे। मतलब मुझे हैबिट नहीं है बिल्कुल भी कि मैं कुछ भी सर पे पहनूं, पर मैंने ये पहन लिया है क्योंकि थोड़ा सा तो कान ढकेंगे गाइस, थोड़ी ठंडी लगेगी। तो बस मैं अभी जस्ट 5 मिनट में निकलने वाली हूँ। रौनक अपना रेडी हो चुका है, वो नहा चुका है और दूध वगैरह पी चुका है। तो बस मैं जा रही हूँ, और मैंने लगाई आज लिपस्टिक गाइस, लिपस्टिक लगाई मैंने बहुत दिनों के बाद। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही लगा लिया मैंने अपने फेस पे, बहुत डार्क लग रही है। वैसे तो बहुत लाइट लिपस्टिक है ये, पर अभी मेरे फेस पे पता नहीं डार्क डार्क क्यों लग रही है। तो मतलब मैंने अपनी तरह से लाइट लगाई थी, पर ये डार्क लग रही है, पता नहीं कैसी लग रही है। मुझे लग रहा है मैं उतार दूँ, क्योंकि बड़ी अजीब सी लग रही है मुझे अपने फेस पर आज। तो बस मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ गाइस, देखते हैं पूरा दिन में अभी क्या रहता है, तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो गाइस मेरी स्कूटी की बढ़ गई है परेशानी, और ये बिल्कुल रास्ते में रुक गई थी आज, थोड़ा काम ख़राब हो गया मेरा। अब इसको लगेंगे सही करने में कम से कम 3 से 4 घंटे, जो कि मेरा पूरा का पूरा दिन आज ख़राब होने वाला है, क्योंकि मुझे आधे रास्ते से ऑफिस आज आना पड़ा वापस। तो गाइस ये है कार्तिक का एक टॉय, जो अभी वो बोलेगा जो मैं बोलूँगी, और बिल्कुल बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है हमारी, जो मैं बोलूँगी ना ये वही बोलेगा, है ना? बोल के दिखाइयो। तो ये नाच रहा है गाइस हमारी बातें सुन के। मोए मोए। मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है ये। ये तो बहुत पहले का टॉय है। बहुत पहले का टॉय है। वाह वाह वाह, तो ले जा इसको, मैं जो बोलता रहेगा ऐसे करके ये। तो गाइस फाइनली मेरी स्कूटी हो गई है आज बिल्कुल रेडी, और बिल्कुल दुल्हन जैसी बन गई है, साफ सुंदर और फिर बहुत ही अच्छी, क्योंकि इसकी करवाई है आज पूरी सर्विस, और इसमें जो जो प्रॉब्लम थी ना आज पूरी सही करवा दी मैंने। तो भाजी उनकी दिक्कत नहीं आएगी ना बीच? अरे तुझे की दस रहे बीच की हो ऐसे नीचे? अच्छा बस दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं जानती है ना ऑफिस में तो प्रॉब्लम ना आए वाला। चलो ठीक है, ओके थैंक यू। तो गाइस आज ऑफिस जाते मेरी स्कूटी ने करा है मुझे बहुत परेशान, मुझे आधे रास्ते से घर वापस आना पड़ा, और अभी मैं कितनी देर से यहाँ बाहर ही हूँ, मतलब घर के पास ही शॉप है, तो बस वहीं पर ठीक करवा लूँ। बहुत 3-4 घंटे लगे कम से कम, और 3-4 घंटे से मैं यहीं पर हूँ ताकि आराम से सामने से देख भी सकूँ क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली मेरी स्कूटी हो गई है अब ठीक, और मुझे अब कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हो गई। तो ये है हमारे घर के पास शॉप। तो गाइस हमारे घर के पास ही गाय माता आके आज पता नहीं कैसे बैठ गई और सो रही है आराम से, और पहली बार हमारे गली में ऐसे गाय आई है। रात को देखूंगी तो खाना दूंगी इसको। तो गाइस फाइनली मेरी स्कूटी हो गई है ठीक, बहुत प्रॉब्लम हुई गाइस आज मुझे रास्ते में, आधे रास्ते से मुझे ऑफिस से घर वापस आना पड़ा। गोल्डी भैया को फ़ोन करा, वो आधे रास्ते आए स्कूटी बड़ी मुश्किलों से लेकर आए हम शॉप तक, ताकि घर के पास से सही करवा दे, ताकि मुझे वापस जाने में कोई दिक्कत ना होती। तो बिल्कुल नई जैसी हो गई मेरी स्कूटी, बड़ा अच्छा लग रहा है इसको देख के आज मुझे। तो स्कूटी हमारी ठीक हो गई है, अभी आके देख लेना, बाहर आके देख।
सही हो गई है ना? चल सही है। तो गाइस आज मैं स्कूटी लेके जब ऑफिस गई तो रास्ते में मेरी स्कूटी हो गई ख़राब, क्योंकि पहले से उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे बोला भी था उबद रिधम वगैरह ने, सब ने बोला था कि स्कूटी को चाची ठीक कर लो तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको रास्ते में। मैंने बोला ठीक है करवा लूँगी ठीक करवा लूँगी। वो करवाते अभी मुझे कल ही रात को उसने बोला था कि चाची आप स्कूटी चला कैसे रहे हो, पर मैंने बोला ठीक है मैं करा लूँगी। पर अभी रास्ते में गई, आधे रास्ते गई और आधे रास्ते में स्कूटी का पंचर हो गया बिल्कुल ख़त्म, और जो टायर की ट्यूब होती है अंदर से वो हो गई फट। पता नहीं क्या हो गया उसको, मुझे नहीं पता, पर स्कूटी को पूरी धज्जियाँ उड़ी थी गाइस। सच्ची में बोल रही हूँ कि पहले तो रौनक के पापा करवा देते थे सब कुछ, अब मुझे करवाना पड़ता है, तो मुझे समझ नहीं आता कैसे, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी स्कूटी के बारे में। तो मैंने सोचा चल ठीक है आज करवाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अपना काम। तो मैंने गोल्डी भैया को आधे रास्ते फ़ोन करा, मैंने बोला गोल्डी भैया स्कूटी रुक गई है मैं कैसे लेके आऊँ क्या करूँ। फिर गोल्डी भैया इतनी देर के बाद आए वहाँ पर, फिर जैसे तैसे करके हम स्कूटी लेकर आए और घर के पास आके स्कूटी वाले को स्कूटी दी ताकि मुझे वापस जाने में कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि वहाँ पर रास्ते में भी थी शॉप, पर मुझे ये था कि फिर मैं वापस आऊँगी फिर रिक्शे के पैसे खर्च करूँगी फिर वापस आऊँगी, तो ऐसे करके फिर या तो मुझे वेट करना पड़ेगा। पर अभी घर के पास ही मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि मैं अपने सामने सामने देखना चाहती थी कि स्कूटी सही से ठीक हो जाए, तो मुझे कम से कम 3-4 घंटे घर लग गए, मतलब मैं वहीं पे बैठी भी थी। और बस अपनी स्कूटी लेके मैं घर पे आ गई अभी, बस अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि गाइस मैंने बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले स्कूटी देख के घर पे आई फिर घर से फिर दोबारा वापस गई ताकि मैं सामने सामने स्कूटी को देख लूँ कि कैसे क्या हो रहा है। तो बस अब देखते हैं पूरा रूटीन अभी दिन का और क्या रहता है। तो गाइस मैंने लगाई है मशीन, कपड़े धो रही हूँ मैं क्योंकि कल तो धोने नहीं है, कल है मकर संक्रांति, तो मैंने सोचा आज ही धो गई। ये ऑलमोस्ट सारे कपड़े धुल गए हैं मेरे और ये अभी धुल रहे हैं, और साथ में बन रही है मेरी चाय, और चाय बनते बनते मेरे कपड़े धुल जाएंगे। बस उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनाना है क्या करना है गाइस। तो गाइस रौनक ने बना दी है चाय अपने प्यारे हाथों से। हाँ जी रौनक जी, मुँह क्यों बनाया है वो तूने? बनाया हुआ है, रिमोट नहीं मिलता था उसको। अच्छा काम ही कराते रहते, मुझसे कुछ तो करते नहीं। हो भगवान गवाह है वैसे सच्ची में। हाँ तो बोलो भगवान भगवान गवाह है मैं सुबह से कितनी परेशानी में हूँ देखो, पता नहीं है यार। तो आपने फिर ठीक करी है स्कूटी? हाँ तो मुझे बैठना नहीं पड़ा वहाँ पे 3-4 घंटे बैठी हुए थे। अच्छा मतलब रोड पे बैठा तुझे इजी लग रहा है? नहीं फिर भी, फिर भी क्या मतलब होता है जिंदगी में चलती रहती है मुश्किल। और ऑफिस से जो फोन आ रहा था वो अलग से वही ना होती है, अब रोज मुश्किलें नहीं होती, एक तो नहीं चाहिए ना कम से कम, वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है। रोज मुश्किलें नहीं होती, रोज मुश्किल ही तो हो रही है मेरे लिए और क्या हो रहा है, है? रोज मुश्किल। तो गाइस आज है लोहड़ी का त्यौहार, पर मैंने ऑफिस तो जाना ही था, बस थोड़ी सी समस्या होगी कोई बात नहीं आ जाती है समस्या लाइफ में, इसी का नाम जिंदगी है। तो आज लोहड़ी में कुछ करना तो है नहीं हमने वैसे भी, पर फिर भी मैं आपको सबको अपनी पूरी YouTube फैमिली को विशिंग यू अ वेरी वेरी वैपी वेरी 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 हैप्पी लोहड़ी, और आपको दिवाली बोलने वाली हूँ आपको लोहड़ी का त्यौहार बहुत 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 मुबारक हो आपकी पूरी फैमिली के लिए और आपके लिए और सबके लिए। ये लोहड़ी का त्यौहार बहुत अच्छा हो और सबको बहुत 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 उसकी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बस कुछ नहीं अभी बस काम स्टार्ट करने लगे हैं, थोड़ा सा बाहर जाऊँगी रौनक को लेकर, कोई एक दो काम है करने वाले तो वो काम करती हूँ। तो बस अभी करते हैं पूरा दिन क्या करना है गाइस। तो ये दोनों हीरोइन आई है अभी हमारे पास, ये है पूछी हीरोइन और ये है कोको। ये ले कोको, उधर क्या है? चूहा। उधर चूहा नहीं है। कोको 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 कहाँ से आई, कहाँ से आई कोको, कहाँ से आई है कोकी? हाँ कोको सुबह हो गई तेरी? तो गाइस इसकी सुबह अभी हुई है, सुबह अभी इस बिस्तर से निकली है सुबह से, और ये आराम से घूमेगी पूरे घर में छत पे हर जगह पे है। पूछी तू नहीं जाएगी? पूछी तो थोड़ी सुस्ती मंत्री है। कोको ये ले बिस्कुट। हाँ अच्छा दे दो उसको, इतना तड़पाती रहते बेचारे को बोल तड़पाती का वो तो रुकी नहीं रही है। कोको हाय मेरे बच्चा, सुन ले कर कभी बात। हाँ पूछी क्या हो गया? गुजी गुजी चिकबिग 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 कोको चिकबिग क्या कहना चाहते हो उसको? नहीं चल छोड़ जा तू, जाने दे इसको। आई बड़ी गाइस मम्मी गई हुई है अभी बाहर कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने सोचा मम्मी के आने से पहले मैं बना लेता हूँ टिक्की, जो कल का जो बैटर बचा था ना वो जो हमने बनाया था ब्रेड रोल उसके लिए, तो उससे ही मैंने बना लिया टिक्की, वेस्ट हो जाता ना। तो यहाँ पे मैंने दो ऑलरेडी बना रखी है, ये चटनी पड़ी है और ये केचप, तो यहाँ पे बस बन रही है, इसको पलटा दो डालता हूँ सीधा, और अगर मम्मी टाइम पर आ गई तो उनको भी खिला दूंगा, वरना
मेरे पेट में ही जाएगी, क्या कर सकते हैं। तो गाइज हमारी टिक्की हो चुकी है रेडी और मम्मी आ ही गई मेरे बनने से पहले। मम्मी आई मेरी टिक्की बनने से पहले। तेरी टिक्की बनने से पहले। तो गाइस ये बना रहा था अपनी लिए टिक्की, इसको लगा कि इसको क्या लगा, मुझे भी लग रहा था, पर मैंने सोचा था कि इसको ब्रेड में डाल के टोस्ट बना लेंगे या फिर पराठा बना लेंगे जैसे कल बनाया था मैंने। पर इसने क्या करा, मेरे मैं भी सामान लेने के लिए गई थी तो इसने आने से पहले मेरी टिक्की बना रखी थी और ये चटनी बनाई थी कल और साथ में ये इसके अंदर चटनी वैसे पड़ी हुई थी, इसके अंदर हमने दही डाला था। हाँ चटनी पड़ी हुई थी, मतलब इसके अंदर प्याज वगैरह नहीं डाला हुआ था, नॉर्मल सिर्फ पुदीने से और धनिया से बना रखी थी। तो इसमें सिर्फ दही, एक चम्मच दही मिक्स करके इसको थोड़ा सा पतला कर लिया और थोड़ा सा पानी, केचप ले लिया हाँ थोड़ा सा वैसे करके। तो ये चटनी बन गई ऐसे करके और ये बना रहा था अपनी ने, तो मैंने मैं आगे तो ये कह रहा कि थोड़ा सा आप थोड़ा लेट आ जाते नहीं ये तो नहीं सोचा मैंने, मैं ही खा लेता हाँ। पर मैं भी, मैंने तो कुछ ज्यादा नहीं खाने का, इसमें तो एक आधी खाऊंगी तो है ही, पांच छह तो है ही, तो मैं एक खा लेना, आप खा लेना कोई ना, मुझे भी ज्यादा भूख नहीं है वैसे। तो अभी इसने टिक्की बनाई तो गाइस बहुत अच्छी टिक्की बनी, क्रिस्पी बनी एकदम। हाँ मैंने सोचा भी नहीं था ये इतनी मेहनत कर लेगा, पर अच्छा बनाया है, थैंक यू। तो गाइस मैं लेने के लिए आई हूँ थोड़ी सी मूंगफली की पट्टी क्योंकि भोग लगाना है लड्डू गोपाल जी को, तो अभी देखते हो क्या लेना है क्या नहीं लेना। काफी बड़ी शॉप है गाइस ये, और ये साथ वाली जो है वो भी एक सेम, बड़ी महंगी लगा रहे भैया ये। अरे कहीं महंगी है, 80 रुपए पाव बेचा है, मेरा फोटो मत लो आप। क्यों? तो गाइस मैं भी देख रही हूँ क्या लेना है मुझे क्या नहीं लेना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा इस लड़के का लोग किसका। भैया कितनी हुई है ये? भैया भैया और कर दो, आधा किलो कर दो, आधा किलो कर दो। अरे तो बात तो का YouTube पर रहेगा, फेमस हो जाएगा, YouTube पर पहुंच जाएगा ये सीरियल, YouTube में फेमस हो जाएगा गाइस। तो सही है ना भैया, इसकी दुकान फेमस हो जाएगी, क्या हो गया? फेमस हो जाएगी कल तो बंद ही हो जाएगी, बंद हो जाएगी कल। अच्छा तो फोन नंबर भी लिखना चाहिए था ना YouTube में बच्चे का। हां भैया तो गाइस देखो कैसे भागने की कोशिश कर रहा है, अभी तो खुश ला रहा है खुद को। ये जो इसने से इसका झूला है ना, इसने अटका रखा है नीचे जो व्हाइट वाला है ना, वो धागा खोलने की कोशिश कर रहा था। हाँ उससे खींचकर, हाँ वो धागा खोलने की कोशिश करता है कि जैसे ही धागा खुलेगा मैं फटाफट से ना पिंजरे में से उड़ जाऊं, आजाद हूँ, आजाद जो कि आजाद होना नहीं इनको। ये देखो देखो ये तो खेल रहा है ग्रीन वाला झूले के साथ, हाँ नीचे वाला दिख गया, देखो तैयारी कर रहा है कैसे खोल, और ये गिरा रहा है उसको ऊपर वाले को, देखो गिरा गिरा, कोई ना अच्छी कोशिश है, अब अंदर कर लिया इसने वापस। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी, मेथी को मैंने वॉश कर लिया अच्छे से, पानी में से निकाल लिया, दो चार पांच बार तो निकालना ही पड़ता है क्योंकि गाइस इसमें होती है मिट्टी, तो जब तक मिट्टी नहीं निकलेगी फिर वो फिर सारा हमारे टेस्ट मुंह में भी किरकिरा किरकिरा टाइप आता है ना, ऐसे मिट्टी मिट्टी टाइप आता है। तो मैंने मेथी को वॉश कर लिया है, अभी आलू कट करूँगी और आज मैं बनाऊँगी आलू मेथी, क्योंकि लोहड़ी वाले दिन कोई भी हरी चीज़ बनाते, साग हो गया या फिर पालक हो गया या फिर मेथी होगी, इन तीनों में से कोई भी चीज़ बनानी होती है, तो मैंने आज बनाई है आलू मेथी, बनानी है फिर मैंने बनानी है अभी। तो गाइस मैं बना रही हूँ आलू मेथी जो मैंने पहले से धो के रख दी थी, उससे क्या हुआ था ये इसका पानी जो है वो सूख गया था, तो अभी इसमें तेल डाल के मैं अच्छे से इसको पहला पानी सुखा, जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी बचा होगा ना गाइस तो उस वो भी सूख जाएगा, और उसके बाद मैं डालूँगी आलू, क्योंकि इसका पानी सूखने के बाद अगर आप आलू डालते हो ना तो थोड़ी अलग अलग बनती है, जैसे कि ना थोड़ा फिर वो ये फिर ऐसा लगता है कि गीली गीली सी लगती है थोड़ा सा, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो इसको इसका पानी सूख जाएगा, उसके बाद में इसमें आलू डालूंगी और उसके बाद ही नमक हल्दी वगैरह जो भी डालना है। तो गाइस मेथी के अंदर मैंने आलू मिक्स कर दिए हैं, साथ में मैंने डाली है हल्दी नमक मिर्च मसाला और हल्की सी हींग डाली है, ताकि क्योंकि ना आलू जो होते हैं वो भी बाए होते हैं और मेथी होती है वो भी बाए होती है, तो इस करके मैंने डाली है हल्की सी इसमें हींग। ये मम्मा खाना बना रहे हो आप? हाँ तो बस आलू तवा भी रख लिया, बस मैं साथ में रोटी बना रही हूँ। हाँ पराठा बना दो साथ साथ में। तो सारा को फटाफट से क्यों बोलता है जल्दी जल्दी करना चाहिए ना, अभी तो अपने टाइम पे ही बनेगी ना, देख आलू अभी थोड़े से कच्चे हैं तो अभी तो बन रही है सब्जी। अच्छा मम्मा इसका भोग लगा दूं मैं? इसका अभी एक सुन मेरी बात। हाँ पहले लगा दियो बिस्किट और दूध का भोग, पहले बिस्किट लगाइयो फिर दूध का लगाइयो, ठीक है? चीनी मैंने डाल दी थोड़ा सा मिक्सअप करके ना, थोड़ा चमचे में जब लेगा ना तो देख लो गरम ना हो, ठीक है? और उसके बाद ये दोनों पट्टी का लगा दियो, ठीक है? ठीक। तो गाइस वैसे कुछ करना नहीं है, आपको जैसे पता है कि
अभी कोई त्योहार वगैरह बनाना नहीं है, पर अब थोड़ा सा भगवान जी को तो भोग लगा ही सकते हैं ना, तो भगवान जी को भोग लगाने के लिए मैं ये दोनों पट्टी लेकर आई हूँ। बाकी दूध और बिस्किट का भोग तो मैंने वैसे ही लगाना था, तो बस अभी चल तू लगा दे फिर भोग भगवान जी को, ठीक है? फिर मैं खाना डाल दूँ, ठीक है? तो गाइस मेरी आलू मेथी बन के रेडी हो गई है। पर ना मेन चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी कि ना आप भी कभी बनाओ ना तो वैसे नॉनस्टिक वाला जैसे कढ़ाई होती है वह कुछ होता है ना उसमें बनाओ, क्योंकि ना मेथी कहीं ना कहीं इसको मैंने पूरा पानी सुखाया था पर कहीं ना कहीं फिर भी ये नीचे लगी जाती है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, पता नहीं मेरे पास तो ये वाली कढ़ाई रहती है तो मैं तो इसी में बनाती हूँ। तो आपके पास अगर नॉन स्टिक वाली है तो आप उसमें बनाओ, उसमें ज़्यादा बेटर बनती है, क्योंकि इसमें भी अच्छी बनी है जैसे कि आप देख रहे होंगे आप लोग, पर उसमें थोड़ा अच्छे से बनेगी और नीचे नहीं लगेगी। तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग और एक नई सुबह के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ सब अपना ख्याल रखना और आपके प्यार सपोर्ट और आपके साथ के लिए थैंक यू सो मच गाइस, और इसी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। नहीं उससे पहले उससे पहले आपको सबको हैप्पी मकर संक्रांति, आपको संक्रांति का त्योहार बहुत 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 मुबारक हो, और मतलब वही हमारे पंजाबी मकर संक्रांति को गाइस बोलते हैं, संक्रांत का दिन, जो कि पंजाबियों के लिए क्या मतलब कि सबके लिए, हमारे लिए तो है ही पंजाबियों के लिए कि नया साल हमारा आज से स्टार्ट होगा, इट मींस हमारा मकर संक्रांति से हमारा नया साल स्टार्ट होता है, तो हैप्पी मकर संक्रांति आपके लिए पूरा साल और आने वाली पूरी लाइफ बहुत अच्छी जाए। गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।